हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अपनी इस वीडियो में मैं चुनाव प्रक्रिया संबंधी अपने कुछ अनुभव आपके साथ साझा करने चल रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको पंचायत चुनाव कराने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी, काफ़ी आसानी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ चुनाव प्रक्रिया आसानी से पूर्ण करने हेतु तो कुछ अनुभव साझा किए जा रहे हैं। यदि इनसे आप सभी को कुछ सहयोग मिलेगा तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात, त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के लिए COVID-19 के दृष्टिगत सामान्य दिशा निर्देश जो सरकार की तरफ से जारी हुए हैं वो मैं लेकर आया हूँ। फिर आगे है क्वारंटाइन संबंधी शासनादेश संग्रह। दोस्तों, किसी भी बीमारी में अगर क्वारंटाइन होना पड़े तो उसके लिए अध्यापक सेवा नियमावली क्या कहती है वो मैं आपको दिखाने चल रहा हूँ। उसके बाद फिर बताना चाहूँगा कि चुनाव कराकर लौटते ही बीमार पड़े हजारों कर्मचारी। दोस्तों, यह चुनाव जो है जानलेवा बन गया है, इसलिए आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं अपनी यह वीडियो। साथियों, चुनाव प्रक्रिया आसानी से पूर्ण करने हेतु कुछ अनुभव साझा किए जा रहे हैं। यदि इनसे आप सभी को कुछ सहयोग मिलेगा तो अच्छा रहेगा। RO सेंटर से आपको मतपत्र, वोटर लिस्ट आदि सामग्री प्राप्त होने के बाद आप उसे एक बार चेक अवश्य करें। वोटर लिस्ट के हिसाब से मतपत्रों की संख्या होनी चाहिए, अर्थात वोटर लिस्ट में जितनी संख्या है उसके हिसाब से आपको मतपत्र भी मिलने चाहिए। समस्त सामग्री प्राप्त कर पूर्ण सुनिश्चित हो लें कि अब किसी अन्य प्रकार की सामग्री की आवश्यकता नहीं है। फिर निर्धारित साधन से अपने बूथ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले बूथ की स्थिति देखेंगे। मतदान कक्ष में आप अपने हिसाब से कुर्सी मेज की व्यवस्था पूर्व से ही कर लें। कुर्सी व मेज पहले से वहां उपलब्ध रहेंगी। बूथ पर आने वाले लोगों से बता दीजिए कि एजेंट के फॉर्म यहां से प्राप्त करके कल सुबह 6:30 तक एजेंट अवश्य बन जाएं। शाम के समय मतपत्रों के पिछले साइड पर शुभिन्नक चिन्ह वाली मुहर लगाकर साइन वाला काम पूर्ण रूप से कर लें। कम से कम 70% मतपत्रों को साइन करके तैयार रखें। वैसे दोस्तों, कहना चाहूँगा कि ये जो सिग्नेचर वाला काम है, अगर आप इसको प्रातःकाल करें तो ये ज़्यादा ही सही रहेगा, क्योंकि शाम को साइन करने का मतलब है थोड़ा रिस्की हो जाता है कि रात में अगर कहीं आपके मतपत्रों को कोई जो है छीन झपट ले गया तो समस्या हो जाएगी। इसलिए सिग्नेचर वाला काम आप सुबह ही करिएगा जल्दी उठ करके। सभी प्रकार के लिफाफे जो सील्ड होने हैं, लिफाफों के मुंह के अतिरिक्त अन्य स्थान पर लाख से सील कर दें। सभी प्रकार के लिफाफों पर बूथ संख्या, नाम आदि का अंकन कर लें। सांविधिक व असांविधिक लिफाफों को अलग गट्ठर तैयार कर लें। सभी प्रपत्रों में से सुबह प्रयोग होने वाले प्रपत्र अलग रख लें। सभी प्रपत्रों पर बूथ की संख्या, नाम, दिनांक, पीठासीन अधिकारी के साइन अवश्य पूर्ण करके रख लें। सुबह 6:30 बजे तक मतदान केंद्र की सारी व्यवस्थाएं पूर्ण करके अपने लिए निश्चित स्थान पर बैठ जाएं। एजेंट्स के आने के बाद मतपेटी सील्ड की कार्यवाही, चुनाव प्रारंभ होने की घोषणा आदि निर्धारित प्रारूप पर करके निश्चित समय 7 बजे से मतदान अवश्य शुरू करा दें। पीठासीन अधिकारी मतदान प्रारंभ हो जाने के बाद अपने प्रपत्र तैयार करने में लग जाएंगे। अपनी डायरी समय पर भरते रहें। पूरी मतदान प्रक्रिया पर नज़र बनाए रखें। संभव है कि चारों पद के मतपत्र देने के कारण मतदान अधिकारी सेकंड को कठिनाई महसूस हो। ऐसी स्थिति में पीठासीन द्वारा उसका सहयोग अपेक्षित है। मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के 1 घंटे पहले से पीठासीन अधिकारी अपने प्रपत्र संभालना शुरू करेगा। पूर्व से ही कुछ पर्ची बनाकर रख लेंगे जिस पर 0 लिखा होगा। जिन लिफाफों में संबंधित सूचनाएँ नहीं हैं उनमें 0 की पर्ची डाल दी जाएगी। मतदान समाप्त होने के बाद मत पेटी सील्ड करेंगे। मत पत्र लिखा तैयार करके एजेंट्स को भी देंगे व 1 प्रति मत पेटी में बांध देंगे। सभी प्रकार के लिफाफों का अलग सेट तैयार करेंगे। उन लिफाफों को अलग रख लेंगे जो कि मत पेटी के साथ जमा होने हैं। जमा केंद्र पर पहुँचने के बाद मत पेटी व समस्त कागजात व लिफाफे लेकर निर्धारित मेज जहां से सामग्री प्राप्त की थी वहीं जमा भी की जाएगी पर पहुंचेंगे। वहां सूचना चस्पा होगी कि इस क्रम से प्रपत्र व लिफाफे लिए जाएंगे, उसी क्रम से सारे प्रपत्र आपको जमा करना है। मत पेटी व लिफाफे जमा होने के बाद
सामग्री भी जमा होगी व ब्रास सील भी जमा होगी। बिना ब्रास सील जमा किए आपको सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा रिलीविंग नहीं दी जाएगी। मतदान दलों का प्रस्थान, प्रस्थान के दौरान प्रस्थान स्थल की क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए मतदान दलों को अलग अलग सत्रों में बुलाया जाए एवं तदनुसार ही मतदान दलों का प्रस्थान करवाया जाए। मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण एवं मतदान दलों की रवानगी के समय सभी कार्मिकों को यह स्पष्ट निर्देश प्रदान किए जाएं कि यह मतदान के दौरान पूरे समय मास्क का उपयोग करेंगे एवं सामाजिक दूरी का पालन करेंगे। प्रस्थान से पूर्व मतदान दल के प्रत्येक कार्मिक एवं वाहन चालक की मेडिकल टीम द्वारा थर्मल स्कैनिंग की जाए। मतदान दलों को उनके गंतव्य मतदान केंद्र के लिए प्रस्थान करने से पूर्व एवं मतदान के पश्चात उनकी वापसी से पूर्व उपयोग में लिए जा रहे वाहनों को समुचित रूप से सैनिटाइज किया जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान दल के सदस्यों के ठहरने की व्यवस्था करते समय यह ध्यान रखा जाए कि मतदान दल के सदस्यों में उचित सामाजिक दूरी रहे एवं ठहरने के स्थान पर स्वच्छता एवं सफाई का पूर्ण ध्यान रखा जाए। मतदान दल के सदस्यों के लिए निम्नलिखित किट उपलब्ध करवाई जाए। सैनिटाइजर 1 लीटर, मतदान दिवस पर मतदाताओं के प्रयोग के लिए प्रत्येक मतदान चरण के लिए 1 लीटर की दर से। ग्लव्स, मतदान दल के सदस्यों को प्रयोग के लिए प्रति मतदान सदस्य प्रत्येक मतदान चरण 1 पेयर की दर से। इसके अतिरिक्त काउंटिंग स्टाफ को भी दस्ताने ग्लव्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। मतदान स्थल पर सामाजिक दूरी के लिए गोले सर्किल बनाने की। मतदान दिवस पर मतदान केंद्र की व्यवस्था, मतदान केंद्र पर मतदान दल के सदस्यों पोलिंग एजेंट्स के बैठने की व्यवस्था सामाजिक दूरी के नियमों को ध्यान में रखते हुए की जाए। मतदान केंद्र पर प्रवेश करने वाला प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। केवल मतदाता की पहचान पर संदेह होने पर ही मास्क हटाया जाएगा। मतदान दिवस पर मतदान के लिए आने वाले प्रत्येक मतदाता को बूथ में प्रवेश से पहले सैनिटाइज करने के पश्चात ही मतदान के लिए कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। सभी मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की जाएगी। पुलिसकर्मी, होमगार्ड, PBD, ग्राम चौकीदार जिसे निर्वाचन ड्यूटी में नियोजित किया गया हो द्वारा मतदान के लिए लाइन में लगे मतदाताओं में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। यदि पहले पठन पर तापमान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नियत मानदंडों से अधिक है तो उसकी दोबारा जांच की जाएगी और यदि वह यथावत बना रहता है तो निर्वाचक को टोकन प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उसे मतदान के अंतिम घंटे में मतदान करने हेतु आने के लिए कहा जाएगा। मतदान के अंतिम घंटे में ऐसे निर्वाचकों से COVID-19 संबंधी निवारक उपायों का कड़ाई से पालन करने के बाद मतदान करवाया जाएगा। मतदान केंद्र पर मतदाताओं के मतदान करने हेतु यथासंभव 3 पंक्तियां पुरुष, महिला एवं दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक पृथक होगी। प्रत्येक पंक्ति में मतदाताओं के लिए 6 फीट 2 गज की दूरी पर खड़े रहने हेतु पूर्व से ही गोले निर्धारित किए जाएंगे। जहाँ प्रत्येक मतदाता मतदान हेतु अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे, गोलों की संख्या से अधिक मतदाताओं को मतदान कक्ष से बाहर रखा जाएगा। संक्रमण से बचाव के लिए मतदान बूथ पर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के पोलिंग एजेंट तथा मतदान कार्मिकों की बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए की जाए। परंतु यदि मतदान कक्ष संरचना ऐसी है जिसमें अभ्यर्थियों के पोलिंग एजेंट्स का अंदर बैठने से सामाजिक दूरी का पालन संभव नहीं है तो उन्हें कक्ष के बाहर इस तरह बैठाया जाएगा कि कक्ष के अंदर की कार्यवाही उनके द्वारा देखी जा सके और आवश्यकता पड़ने पर पीठासीन अधिकारी से बात की जा सके। मतदान केंद्र पर मतदान दल एवं मतदाताओं द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा COVID-19 के रोकथाम हेतु जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। मतदान के दौरान मतदान दल में नियुक्त किसी भी कार्मिक को COVID-19 के लक्षण पाए जाने पर ऐसे कार्मिक को तुरंत प्रभाव से अन्य कार्मिकों से अलग कर दिया जाएगा। नोडल अधिकारी द्वारा ऐसे कार्मिकों का कोविड परीक्षण करवाया जाएगा। परीक्षण के परिणाम की सूचना संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को दी जाए। यदि पोलिंग एजेंट या काउंटिंग एजेंट में से किसी का तापमान निर्धारित मानक से ऊपर पाया जाता है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की अनुमति से उसका रिलीवर प्रदान किया जा सकता है और इस आशय का रिकॉर्ड रखा जाएगा। यदि COVID-19 से ग्रसित कोई मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहता है तो पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसे मतदाता को अंत में अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु कहा जाएगा तथा इसकी सूचना सेक्टर मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। सेक्टर मजिस्ट्रेट तत्काल उपलब्ध कराई गई PPE किट के साथ संबंधित मतदान स्थल पर पहुंचकर पीठासीन अधिकारी को PPE किट उपलब्ध कराएंगे। उपलब्ध कराई गई PPE किट को पहनकर पीठासीन अधिकारी उक्त मतदाता को मताधिकार का प्रयोग करवाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा मतदान केंद्र के बाहर बनाए जाने वाले बूथ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी एवं मतदाताओं की सहायता के कार्य में संलग्न व्यक्तियों द्वारा पूरे समय मास्क का उपयोग किया जाएगा। ऐसे बूथ पर अनावश्यक भीड़ नहीं होनी चाहिए। COVID-19 के संबंध में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। यदि मतदान एजेंट या मतगणना एजेंट का तापमान विहित सीमा से अधिक है तो पीठासीन अधिकारी द्वारा उनके रिलीवर की अनुमति दी जाएगी जो तदनुसार रिकॉर्ड रखेंगे।
तो दोस्तों ये रहा जो है मतदान से संबंधी COVID-19 को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश। इसमें तो बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन क्या ये सारी बातें फॉलो हो रही कि नहीं हो रही हैं? अगर नहीं हो रही हैं तो गलत है, ये बात इन सभी चीज़ों का फॉलो होना चाहिए और इसको फॉलो करते हुए ही आप मतदान कराएंगे। हाँ तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कर्मचारी सेवा नियमावली या अध्यापक सेवा नियमावली में जो संगरोध अवकाश है, क्वारंटाइन लीव है, उसके बारे में क्या कहा गया है। आपको यह जानकारी इसलिए देना जरूरी है कि आप जो है इस नियम को हवाला देते हुए आप जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। सरकारी सेवक के परिवार में यदि कोई सदस्य सहायक नियम 202 में उल्लिखित किसी छुआछूत की बीमारी जैसे प्लेग, चेचक, हैजा, मेनिंजाइटिस तथा डिप्थीरिया आदि से पीड़ित हो तो उसको चिकित्सक अथवा जन स्वास्थ्य अधिकारी के प्रमाण पत्र पर उक्त नियम में दी हुई तालिका के अनुसार क्वारंटाइन लीव स्वीकृत की जा सकती है। यह अवकाश अधिकतम 21 दिन तथा असाधारण स्थिति में 30 दिन दोनों प्रकार के स्थायी अथवा अस्थायी कर्मचारियों को पूरे वेतन पर दे है। तो दोस्तों आपने देख लिया इसको, अर्थात अगर आपके घर में कोई अगर इस बीमारी से पीड़ित है तो आप जो है क्वारंटाइन अवकाश ले सकते हैं। 21 से 30 दिन का अवकाश आप ले सकते हैं और आपको यह अवकाश मिलेगा क्योंकि ये कर्मचारी सेवा नियमावली का एक अंग है, उसका एक भाग है। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि जान है तो जहान है, आप अपनी सुरक्षा खुद करिए, क्योंकि जो पिछले अनुभव है, पिछला जो चुनाव हुआ था, वहाँ से लौटने के बाद हजारों कर्मचारी जो है भेंट चढ़ रहे हैं इस जो है COVID-19 के। बहुत सारे कर्मचारियों ने तो अपनी ज़िंदगी गंवा दी है और बहुत सारे कर्मचारी जो है अपनी ज़िंदगी के दांव पर लटके हुए हैं। चुनाव कराकर लौटे और बीमार पड़ गए कर्मचारी। पंचायत चुनाव कराने के बाद गुरुवार देर रात घर लौटे तमाम कर्मचारी बीमार पड़ गए। शुक्रवार सुबह उठे तो हल्का बुखार, सिरदर्द, आंख में जलन और कमजोरी आदि की समस्या महसूस हुई। खुद के संक्रमित होने की आशंका पर सैकड़ों कर्मचारियों ने खुद को एक कमरे में आइसोलेट कर लिया। हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय PG कॉलेज नैनी में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर इंदु प्रकाश सिंह की ड्यूटी प्रतापपुर में सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में लगी थी। 14 एवं 15 अप्रैल को चुनाव ड्यूटी कर गुरुवार रात 12 बजे लौटे। शुक्रवार सुबह तबियत बिगड़ने लगी, उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया। इसी प्रकार पंचायत चुनाव में श्रृंगवेरपुर धाम के लाल गोपालगंज में ड्यूटी करने वाले IIIT के गैर शिक्षण कर्मचारी कार्यकारिणी के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शुक्रवार को उन्होंने अपनी जांच कराई तो रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। उन्होंने आशंका जताई कि संस्थान में उनके परिवार सहित कोरोना पॉजिटिव की संख्या 50 से भी ज़्यादा हो सकती है। चुनाव में उनके साथ ड्यूटी करने वाले दूसरे साथी कर्मचारी एवं अन्य लोगों को भी संक्रमण हो सकता है। लोक निर्माण विभाग के एक दर्जन कर्मचारी संक्रमित। प्रयागराज लोक निर्माण विभाग के एक दर्जन कर्मचारी चुनाव ड्यूटी से लौटकर संक्रमित हो गए हैं। सभी कर्मचारियों को शुक्रवार को हल्की तबीयत खराब लगी। जांच में सभी को कोरोना पाया गया। गंभीर हालत में कर्मचारी नेता अस्पताल पहुंचे। विकास भवन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरसिंह को गंभीर हालत में बेली अस्पताल में भर्ती कराया गया। अध्यक्ष पिछले दिनों चुनाव ड्यूटी में कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, शुक्रवार को उनकी हालत खराब हो गई तो अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कितनी तेजी से जो है ये बीमारी फैल रही है, आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। तो दोस्तों ये रहा आज की कुछ मुख्य बातें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ खबरों से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और आवश्यक बातें लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।